नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हरियाणा में विधानसभा का सत्र चला हुआ है और उसी को लेकर बलराज कुंडू ने चुटकी लेते हुए अपनी बात विधानसभा में रखी। जैसे भाई ने बताया, ऑल इज वेल, पूर्ण रूप से खुशहाल दिखाया गया। सरकार की कार्यशैली को पूर्ण रूप से एक सुंदर वर्णन उसके अंदर किया गया। उसी के संदर्भ में मैं ये बताना चाहता हूं कि आपने एक नंबर पर, मैं किसान की बात करता हूं, किसान की आय दुगनी करने की बात करता हूं, और जिस प्रकार से सरकार ने किसान की आय को दुगना करने का काम किया है और उसका जश्न मनाने के लिए दिल्ली के चारों तरफ इस प्रदेश का अन्नदाता बैठा हुआ है, और उस आय दुगने से इतना खुश है वो किसान कि उसकी उस खुशी से हार्ट अटैक से 200 किसान अपनी जान दे चुके हैं। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो उससे खुश होकर खुदकुशी कर चुके हैं, जो रास्ते में जाते जाते जो एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं। मैं धन्यवाद करता हूं सरकार की इस कार्यशैली को कि उन्होंने किस प्रकार से किसान की आय को दुगना और किसान को खुशहाल करने का जो इतना सुंदर काम किया है। माननीय हमारे मंत्री महोदय भी कह रहे थे, और जिस प्रकार से अलग इतने सुंदर तरीके से उस व्यवस्था को किया है सरकार ने पानी को बचाने के लिए, बहुत अच्छा काम किया। जो 45 दिन के अंदर 8 दिन के लिए नहर आती थी उसको 3 दिन कर दिया, क्योंकि पहले 8 दिन में इतना पानी नहीं आता जितना 3 दिन में अब जो ये सरकार किसान को दे देती है। और हमारे फसलों में पानी भरने लगता है तो किसानों ने कहा, सरकार अब यो 3 दिन में हमारा पेटा पूरा हो जाए ना, बंद कर दो। तो आपकी व्यवस्था को मैं सलाम करता हूं, उसको मैं प्रणाम करता हूं। आपने जिस प्रकार से बेरोजगारी की बात करें, आज प्रदेश के भाई ने बताया कि आज हरियाणा प्रदेश नंबर 1 पे है, तो आपने उसके ऊपर ये कांग्रेस वाले चिल्लाकर आप पर आरोप लगाते थे नौकरी बेचने का, आपने इतना अच्छा व्यवस्था किया कि नौकरियों ने बंद करके ठेकेदारी प्रथा चालू कर दी आपने। ये हरियाणा वाले आप पर ब्लेम लगाते तो आपने बाहर वालों को नौकरी देनी शुरू कर दी। मैं सलाम करता हूं आपकी कार्यशैली, मैं सलाम करता हूं आपकी कार्यशैली को। नौकरियां ठेके पर दे दी आपको, इस प्रदेश को महंगाई से बचाने का इतना अच्छा काम किया। पेट्रोल डीजल आज कोई बोलने को तैयार नहीं, पूर्ण रूप से फ्री में डीजल पेट्रोल आप जनता को उपलब्ध करा ले, उसके लिए मैं आप सलाम करता हूं आपकी सरकार को। आज कानून व्यवस्था का तो बलराज कुंडू ने सदन में व्यंग भरे अंदाज में सरकार की किरकिरी की, कमाल है। हमारे माननीय गृह मंत्री जी भी उसकी चर्चा कई दिन पहले करके अखबारों में बड़ा सारा लेख मैंने पढ़ा था, और जिस प्रकार से उन्होंने अपने डीजीपी की तारीफ की थी मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं सलाम करता हूं इस प्रदेश की सरकार को उसकी कार्यशैली के लिए। आज प्रदेश का किसान सड़कों पर बैठा है, भूखा बैठा है, नंगा बैठा है, और जिस प्रकार से इस प्रदेश की सरकार ने उसके खाने पीने की व्यवस्था, उसके जो है ना स्वास्थ्य की व्यवस्था, उसके पानी की व्यवस्था, जिस प्रकार से दीवारें खींचकर काठे खोदकर और खाइया खोदकर वाटर कैनन से किया, मैं उसके लिए सलाम करता हूं हरियाणा प्रदेश की सरकार। आज जिस प्रकार से प्रदेश में हर, आपने बड़ी तारीफ की कि हर तरह रेवेन्यू बढ़ रहा है, हर वो बिजली बोर्ड भी, बिजली डिपार्टमेंट भी तो घाटे में चलता था, जो इसको लूट के खा गए ये कांग्रेस वाले, वो आज फायदे में चल गया। और जब मैं देखता हूं तो प्रदेश का, जब वो देखा तो प्रदेश के अंदर जो है ना वो कर्ज वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। सलाम करता हूं आपकी कार्यशैली को। आज जिस प्रकार से आउटसाइडर को नौकरियां देकर, जो हमारे सरकार के सहयोगी हमारे साथी जो चुनाव सरकार में आने से पहले यह आंदोलन करते थे, और जो बाहर की नौकरियां देने पर जिन्होंने सरकार के खिलाफ बिगुल बजाया था, आज वो उसकी तारीफ करते हैं। मेरे प्रदेश के युवाओं को उसके काबिल नहीं बताते, वो उनके पास वो डिग्रियां नहीं है। आज जिस प्रकार से एक डोमिसाइल जिसका 15 साल में हरियाणा की वो उसको नागरिकता मिलती थी, उसको घटाकर बाहर वालों का रास्ता जो आधा समय करने का काम किया, मैं सलाम करता हूं हरियाणा प्रदेश की सरकार को। आज जिस प्रकार की व्यवस्था, और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आपको नहीं बोलना चाहिए, हमारे साथी हमारे भाई हैं जो भाजपा के, इन्होंने आज अपना वो क्या बोलते हैं,
ACR लिखवानी है, क्योंकि मंत्रिमंडल में चेंज होने वाला है, तो इनको दोष मत दिया करो, बोलना बनता है इनका। तो ये हमारे साथियों को मैं दुआ देता हूं कि अपना ACR पूरा गुड नहीं वेरी गुड लिखवाएं, ताकि आपका मंत्रिमंडल में नाम आ सके। तो आप इनसे बुरा मत मानना करो, ये इनसे बुरा मत मानना करो, ये हमारे भाई हमारे साथी हैं। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं सरकार की इन उपलब्धियों के लिए मैं बधाई देता हूं। माननीय मंत्री जी ने सुबह जिस प्रकार से जवाब दे रहे थे, मैं धन्य हूं ऐसी सरकार का। और निश्चित रूप से जैसे हमारे इन भाइयों ने बताया कि आपके स्वागत में गांव गांव के अड्डे पे बोर्ड लगा दिए हैं आपके वेलकम के लिए, तो उसके लिए भी मैं आपकी उपलब्धि ये बधाई देता हूं। और जिस प्रकार से आज ब्यास साथियों ने मतलब, क्योंकि इतना ज्यादा स्वागत आप सबका हो रहा है, जिसके लिए सारे पूरा प्रदेश, और आज आपकी इन उपलब्धियों के लिए, और जो जश्न पिछले 3 महीने से किसान दिल्ली के बॉर्डरों पे मना रहा है, वो आज पूरा विश्व उस बात को जानता है आपकी सरकार की उपलब्धियों से। ये अन्नदाता कितना खुश होकर आपको दुआएं दे रहा है, उसका परिवार, वो उसके लिए उपलब्धि देता हूं, मैं आपको बधाई देता हूं। और मैं इसके लिए पूरी सरकार को धन्य देता हूं, और आपको एक बात का आश्वासन भी देता हूं, आपका बहुत बड़ा स्वागत ये 3 साल 3.5 साल बहुत जल्द बीत जाएंगे, ये गिनती के दिन है। आपका वेलकम करने के लिए इस प्रदेश और देश की जनता तैयार बैठी है, आपका बहुत बड़ा वेलकम होगा, उसके लिए भी मैं आपको एडवांस में बधाई देता हूं। तो मैं आप सबको थोड़े शब्दों में, बड़े लंबे चौड़े, उसके बाद 2 शब्द स्पीकर महोदय अपने उस हलके के लिए भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार को। मैं जब से विधायक बन के आया था, मेरे महम क्षेत्र का एकमात्र जिससे रोहतक 35 किलोमीटर पड़ता है, सामान्य हॉस्पिटल जिसकी जर्जर हालत है, उसके लिए मैं डिमांड करता हूं, आज तक कोई सुनवाई नहीं, उसको निवेदन करता हूं, वो मेरे काम नहीं आना, उस इस देश की, मेरे गांव, मेरे विधानसभा की, मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए बनना है, उसके लिए मैं अपील बार बार करता हूं, उसको बनवाने का सरकार काम करे। मैं अपने महम के अंदर गर्ल्स कॉलेज की मैंने डिमांड रखी थी, मैं उसके लिए निवेदन करता हूं बार बार, मंत्री महोदय बैठे हैं, और मंत्री महोदय उसके लिए कहते हैं लड़कियों का विशेष ध्यान दो, धन्यवाद, एक मिनट, मैंने बहुत थोड़ा समय हो गया। मेरा गर्ल्स कॉलेज, एक बात और कहना चाहता हूं, धन्यवाद, एक बात के लिए मंत्री जी को बधाई, और मंत्री जी की बधाई रहेगी, हो गया हो गया, एक मिनट मंत्री जी की बधाई, अब कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, अब कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, अब एक तो साथियों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और जिस साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि समय पर आपको अपडेट मिल सकें। आपसे फिर मुलाकात होगी, टिल देन टेक केयर, बी सेफ, प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।